Hello children, welcome to Asa Education. Today our poem is Garden Snake from Honeycomb Book, Grade 7, CBSE. Have you ever seen a snake fighting a mongoose or going into a hole or swimming in the river? आपने कभी कोई एक ऐसा सांप देखा है जो नेवले से लड़ रहा हो या वो अपने बिल में जा रहा हो या वो पानी में तैर रहा हो? Almost everyone believes that snakes are dangerous. अगर देखा जाए तो सभी लोगों का, ज्यादातर लोगों का मानना है कि स्नेक्स यानी सांप खतरनाक होते हैं. Some are, most are not. लेकिन कुछ होते हैं, ज्यादातर नहीं होते हैं. Read this poem on a harmless garden snake. अब हम जो पोयम पढ़ेंगे उसमें एक ऐसे ही स्नेक का जिक्र है जो कि हार्मफुल नहीं है बल्कि हार्मलेस है और वो एक गार्डन स्नेक है. I saw a snake and ran away. मैंने जैसे ही देखा सांप को मैं वहां से भाग गया. Some snakes are dangerous, they say. क्योंकि मेरे को क्या पता है कि कुछ सांप जो हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं. But mother says that kind is good and eats up insect for his food. लेकिन मेरी मदर का कहना है कि इस तरह के सांप अच्छे होते हैं. क्यों? क्योंकि वो जो हैं खाने में इंसेक्ट्स को खा लेते हैं. So when he wiggles in the grass, I'll stand aside and watch him pass. तभी जब भी मेरे को घास में कुछ हलचल लगती है सांप के गुजरने की तो मैं क्या करता हूँ, मैं चुपचाप एक साइड पे खड़ा हो जाता हूँ और उसको धीरे से जाने देता हूँ. And tell myself, और अपने आप को समझाने के लिए बोलता रहता हूँ, There is no mistake. It's just a harmless garden snake. और ये कोई गलती नहीं है, बस ये एक बिना परेशान करने वाला या हार्म करने वाला गार्डन स्नेक है. बच्चों, ये बहुत छोटी सी पोएम थी गार्डन स्नेक के बारे में कि किस तरह से गार्डन स्नेक को बताया गया है कि वो हार्मफुल नहीं होता बल्कि हार्मलेस होता है. पोएम अच्छी लगी? सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आशा एजुकेशन. Bye.